हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका सना मल्टी टैलेंट लवर चैनल में। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी, वो भी बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर के साथ। आई होप आपको ये पसंद आने वाला है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने ये किस तरह से बनाया है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चीज़ी ब्रेड पकौड़े। मैंने ये किस तरह से बनाया है, तो मैंने बाउल में 4 चम्मच के करीब इसमें बेसन डाल दूंगी। अब जाएंगे इसमें मसाले। मसाले में मैंने क्या क्या लिया है, 1/2 छोटा चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी, और नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार, काला नमक लिया है मैंने, और यह है 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें गर्म मसाला, और चुटकी भर मैंने डाली है इसमें हल्दी। अब इन सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे पानी डालकर। हम इसका बैटर बना लेंगे, ना हमें ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको अच्छा सा इसका बैटर बना लेती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। तो मैं पानी डाल दिया है, और अब मैं डालूंगी इसमें बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है, जिससे जो हमारा बेसन का बैटर है ये अच्छे से फूल जाए। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टमाटर और प्याज की चटनी बना कर रख ली थी, और ये इतनी टेस्टी है। आपके जो ये हम पकोड़े बना रहे हैं, फ्लेवर इसी से ही आने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी आप वो डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा मैं आपको बता रही हूँ वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने इसमें करी पत्ते का और सरसों का तड़का लगा दिया है, और इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप वॉच कीजिएगा ये मैंने किस तरह से बनाया है। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो मेरे चैनल पे है। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और मैंने हरी चटनी भी बना के रख ली थी। इन दोनों चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और ये चटनी इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसको अपने घर में बनाकर हमेशा रखेंगे। तो देखिए, मैं अब बनाना शुरू करती हूँ। मैंने ब्रेड ले ली है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, आप चटनी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि फ्लेवर इसी चटनी से आने वाला है हमारे चीज़ी पकौड़ों में। तो खूब सारा मैंने ये चटनी लगा दी है एक ब्रेड पे, और दूसरी ब्रेड पे मैं ये ग्रीन वाली डालूंगी। हमें इसमें और कोई मसाले डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चटनियों में अच्छा फ्लेवर है। तो सारी ब्रेड पे हम चटनी को अच्छे से फैला लेंगे। तो अब बारी आती है इसमें चीज डालने की। तो हम इसमें अच्छे से चीज फैला लेंगे, खूब सारी डालनी है चीज भी। आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया था, मुझे ये इतना टेस्टी लगा, तो मुझसे रहा नहीं गया आपके साथ शेयर करना। तो मैंने सोचा चलिए अपने फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करते हैं। तो बस अब मैंने इसको लगा दिया है, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो हम इसको 4 पीसेस में काट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। चाहे तो आप इसको ऐसे ही पैन में सेक कर खा सकते हैं, आपकी मर्जी है।
इसमें चीज़ डला हुआ है तो इसलिए इसको सेकना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बेसन में डाल के कीजिए, चाहे आप पैन पे इसको सेक ले, वो आपके ऊपर बात है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो पहले हम इनके कोनों को अच्छे से सील कर लेंगे बैटर से, और फिर दोनों साइड अच्छे से लगा लेंगे इसको। तो तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। तो स्लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे और फिर हम इस गैस की फ्लेम हाई कर देंगे, जिससे कि हमारे जो पकौड़े हैं अच्छे से क्रिस्पी बने। तो सारे ब्रेड पकौड़ों को अच्छे से अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये बहुत कुरकुरे भी बने। तो हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं अच्छे से फ्राई हो चुके थे, तो अब मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है। टिश्यू पेपर में मैं ये सारे ब्रेड पकौड़े निकाल लूँगी, जिससे कि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। तो प्लेट में मैंने रख लिए थे और मैं आपको एक और तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कैसे लग रहे हैं। तो आप इसको सॉस के साथ, मेयोनीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिखने में कितने मज़ेदार, यम्मी यम्मी, क्रीमी क्रीमी लग रहे हैं। आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ी ब्रेड पकौड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।